जानेंगे अवेन्यू सुपरमार्ट डीमार्ट शेयर को लेकर काफी बड़ी न्यूज आ रही है। रिपोर्ट है एवेन्यू सुपरमार्ट्स पे भी एक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है। एक बार इसे गिरीश के साथ डिस्कस करते हैं। गिरीश, कैसे देखा आपने एवेन्यू सुपरमार्ट्स के नंबर्स को? हालांकि उन्होंने ये बात तो कही एफएमसीजी और कंज्यूमर स्टेपल्स, वहाँ आउट परफॉर्मेंस थी मर्चेंडाइज और अपैरल के बीच, लेकिन फिर भी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी डिमांड जो है उसमें वीकनेस तो दिख रही है। कैसे देखना चाहिए एवेन्यू सुपरमार्ट्स के नंबर्स को, मिस ऑन मार्जिनस को? आप आगे के लिए स्टॉक की मूवमेंट को कैसे देख रहे हैं? अगर सुपरमार्ट्स के मूवमेंट्स को देखा जाए तो ग्रोथ ऑब्वियसली कम है इन कंपेरेटिवली अगर हम दूसरे सुपरमार्ट्स के सेल्स की कैलकुलेशंस पे जाएंगे, क्योंकि 7.8% ईयर ऑन ग्रोथ का जो एस्टिमेशंस आया है वो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं है कि उन्होंने काफी अच्छे, क्योंकि इनके नए जो रिटेल स्टोर्स थे वो काफी ज्यादा इंट्रोड्यूस हुए थे अभी रिसेंटली टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज में भी। उसके हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कहीं पे भी ये नंबर्स काफी अच्छे होके आने चाहिए थे। एंड मार्जिन भी फॉल हुआ है 40 basis points पे, वो भी एक कहीं ना कहीं पॉइंट आ जाता है कि चीजें रीस्ट्रक्चरिंग के लिए काफी एक्चुअली रिक्वायर्ड है। हालांकि एबिटा इन्होंने इंक्रूव करा है 4.5% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, बट उसके बाद भी नंबर्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं एक्सपेक्ट होते, कहीं पे भी ये हम लोग इसको बाइंग के लिए तो नहीं सजेस्ट करेंगे। ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एक वापस स्टॉक की शफलिंग्स आनी चाहिए एंड उसके बाद फिर लगेगा कि चीजें बेटर दिख रही हैं, तो उसके बेसिस पे फिर अगर किसी को भी बाय करना चाहिए तो डेफिनेटली इंटर। एवेन्यू सुपरमार्ट्स इनफैक्ट यहाँ पर इस वक्त वॉचलिस्ट में रखने की राय।